बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑटो पोस्टिंग फेसबुक के ऊपर कैसे करोगे। यानी अगर आप कोई लिंक वगैरह अपनी वीडियो का या कोई भी आप इस तरह का लिंक शेयर करना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर तो ग्रुप्स में, तो आप एक क्लिक पर उन सारे ग्रुप्स में कैसे उस वीडियो को पोस्ट करोगे या उस वीडियो की लिंक को पोस्ट करोगे। वन बाय वन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फेसबुक में अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 ग्रुप्स ज्वाइन की हो और आप चाहते हो कि उनमें से 50 या 10 या 100 या उन चारों में जितने भी आपके पास ग्रुप्स है, आप चाहते हो कि उनमें इतने ग्रुप्स में आप इस वीडियो को पोस्ट करते हैं या उस लिंक को पोस्ट करना चाहते हैं या आपकी पिक्चर है या कुछ भी है या आप पोस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वन बाय वन बड़ा मुश्किल होता है। फेसबुक ओपन करके ग्रुप में जाना है और आपने वन बाय वन उस ग्रुप को ओपन करके तब जाके आप उसको वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसमें आपको एक टूल की जरूरत होगी, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहां से जाके आपने सिर्फ एक टूल डाउनलोड करना है और जो जो तरीका है वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जस्ट आपने एक कॉपी पेस्ट करना है और जाके ऑटो आपकी सिस्टम जो है आपके ग्रुप्स में वो लिंक पोस्ट करेगी। सो वो तरीका क्या है, वक्त जाया किए बगैर चलते लैपटॉप स्क्रीन पर और लेट्स गो टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये जो लिंक है ये मैंने अपने पास का यहाँ पे सेव किया हुआ, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की। आपने कॉपी करके गूगल ओपन करके आपने क्या करना है, और पेस्ट कर देना है इसको, यहाँ से ये एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर देना। सबसे पहले जैसे आप उस लिंक के ऊपर जाओगे तो आप इस यहाँ पे आ जाओगे और आपने जस्ट डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ी टाइम में ये यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया आपके पास, थोड़े से टाइम में ये डाउनलोड तो हो गया लेकिन अभी ये कंप्लीट डाउनलोड नहीं हुआ। जैसे सर्कल डाउनलोड वाला ये अब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी देखते हैं कि ये जैसे कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है इसका, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने इसको जस्ट डाउनलोड कर देना है। ये डाउनलोड हो गया कम्प्लीटली। अब मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ शो एंड फोल्डर और यहाँ पे TFF 4.1.5, ठीक हो गया, इसका वर्जन है। अब आपने क्या करना है, ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पे आपने यहाँ पर आना है, इसको क्लोज कर दिया मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये ठीक हो गया। आपने क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट्स में आना है, यहाँ पर आपने मोर टूल में आने के बाद आपने यहाँ पे एक्सटेंशन में आना है, ठीक हो गया। एक्सटेंशन में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको आपने क्या करना है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे लेके वो डेवलपर मोड ऊपर आपको ऑप्शन अगर वो ऑफ है तो आप उसको ऑन कर दें, ठीक हो गया। डेवलपर मोड पहले ऑन करना, अब यहाँ पे एरर आपको आ रहा है, इस एरर को कैसे क्लियर करना है, इस एरर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये जो आपको टेक्स्ट शो कर रहा है इसको कंट्रोल आल करके कंट्रोल ए करके या यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से पकड़ के इस सारों को यहाँ से डिलीट कर देना है। जैसे डिलीट करके बैक जाओगे तो वो एरर आपके पास क्लियर हो जाएगी, तो आपने टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और इसको पिन कर देना है। जैसे आप इसको पिन करोगे तो वहां पे आप इसका वो शो हो जाएगा लोगो। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर ये आ गया, अब चल यहाँ पर आपने इसको ओपन कर दिया। इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप बता दें, सबसे पहले मैं लिंक को कॉपी करूँ फेसबुक में चलता हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से किसी भी वीडियो का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे याद रखना कि आपके आपके पास ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन हो, अगर आपके पास ग्रुप ज्वाइन ना हो तो फिर आपके पास काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने ग्रुप में पोस्टिंग करनी है, ठीक हो गया। सो यहाँ पर मैं किसी भी वीडियो को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके कोई वीडियो मिल जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसी वीडियो का लिंक इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ शेयर से भी जाके कॉपी कर सकते हो लिंक यहाँ से, और इसके ऊपर क्लिक करके आपको पता है कि किस तरह लिंक कॉपी करता है, वैसे इसको बड़ा कर देते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके वो टॉप के ऊपर यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक हो गया। लिंक को मैंने कॉपी कर दिया, अब हम आते हैं उस टूल पर, दोबारा यहाँ पर क्लिक करते हैं, अपने स्क्रॉल डाउन कर लेना मल्टीपल चीज़ों के लिए। आप यहाँ पर फेसबुक ऑटो पोस्टिंग, ये देखो फेसबुक ऑटो पोस्टर, इसको आपने सर्च करना है और स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक हो गया।
जैसे आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो जो ग्रुप्स आपके पास ज्वाइन होंगे उस सारों का लिस्ट आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक हो गया, अभी थोड़ी ही देर में ये रीलोड होगा और जो आपके पास ग्रुप आपके फेसबुक में ज्वाइन, ये देखो जितने ग्रुप आपके पास फेसबुक में, इस टाइम मेरे पास 17 ग्रुप ज्वाइन है, तो सारों का रिकॉर्ड मेरे पास है। अब मैं चाहता हूँ कि 17 में हो जाए, तो आप 17 के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, जितने ग्रुप आप चाहते हो, जिसमें चाहते हो आप उसी को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ से कुछ ग्रुप सेलेक्ट किए। ठीक हो गया, इसके सिलेक्शन के बाद अब क्या करना है आपने, ये ग्रुप्स आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया, अब वो जो आपने लिंक कॉपी किया था यहां से पेस्ट कर देना है। ठीक है, उस लिंक को आपने यहां से पेस्ट कर देना है और सिंपली आपने यहां पे सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जितने ग्रुप्स आपने सेलेक्ट किए वन बाय वन उसी ग्रुप में ये पोस्टिंग यहां पे शुरू हो जाएगी और जब ये कंप्लीट हो जाए तब जाके आपने देख लेना है अपने ग्रुप्स में जो जो ग्रुप्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ये जो लिंक है, वीडियो का है, जो भी है, आप पिक्चर भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो यहाँ पे, इसमें बहुत सारे और भी चीजें हैं। तो वो यहाँ से वन बाय वन अब पोस्टिंग शुरू हो गई है और ये जैसे इस ये रिलोड का ऑप्शन आपको नजर, ये बेसिकली पोस्टिंग हो रही है उस लिंक की वहां पर आपकी ग्रुप्स में। तो इस तरीके से आप भी ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप जाके वन बाय वन देखें और आपका वहाँ पे शेयर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप भी इजीली ऑटो पोस्टिंग कर सकते हैं कोई भी लिंक अपने फेसबुक ग्रुप में। सो ये थी आज की वीडियो, होप आपको समझ आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।